It's Draco Malfoy. क्या करोगे इसका? Just play. I want to show my इधर भी Harry Potter. पर ध्यान से चोट मोट लगा लेना. Good morning दोस्तों, Merry Christmas. आज बच्चों ने उठाया, मैं केविश ने उठाया, मुझे भी उसी ने उठाया, दीदी को भी जाके उसी ने उठाया कि गिफ्ट खोलना है, गिफ्ट खोलना है. और पता है मुझे भी क्रिसमस गिफ्ट मिला. मैं बहुत टाइम से अपने कैमरा का लेंस कैप ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था. मैं बहुत परेशान थी कि गया कहाँ ये. मैं लॉन्ड्री में गई आज, कुछ उठाया और ये सामने गिर गया मेरे. एक्चुअली ऐसा ही लगा कि किसी ने ऊपर से डाल दिया हो कि ये लो तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट. इस बारी ज़्यादा गिफ्ट नहीं लिया है इन्होंने, फ्यूचर में लेंगे, ये प्लान्ड है, बट कहीं और से लेना है. इसीलिए मैं कब से ये वाला पिक्चर लेके आई थी, प्रिंट आउट करके लेके आई थी कि लगाना है मुझे, क्रिसमस टाइम है. और फिर हम बीमार पड़ गए और मुझे ध्यान ही नहीं रहा ये लगाना. तो चलो फाइनली कल शाम को लगाया मैंने. अच्छी सी क्रिसमस वाइब्स आ रही है, विंटरी वाइब्स आ रही है. आज कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं तो लंच की भी तैयारी करनी है. पाव भाजी, पाव भाजी है मेन्यू में. तो सबसे पहले मैं सारा कुछ ना वेजिटेबल प्रेशर कुक करने के लिए रख देती हूँ और साथ साथ फिर तड़का बना लूंगी. प्रेशर कुक करने के लिए मैं डालूंगी आलू, गोभी और मटर. नीचे है खूब सारे मटर, फ्रोजन वाले हैं. एक कैरेट ऐड कर रही हूँ. थोड़ा सा बीटरूट भी ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा कलर आता है इससे. सारी चॉपिंग कटिंग हो गई है. पाव भाजी के साथ साथ कढ़ाई पनीर भी बनाऊंगी, रोटी और वेजिटेबल राइस भी बनेगा. तो सारे वेजीज एंड ऑल मम्मी कट कर रहे हैं. और बच्चों की फरमाइश है बटर चिकन, तो ग्रेवी के लिए मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, काजू. ये धीरे धीरे फ्राई होता रहेगा, फिर उसको ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे. और सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे. ब्रेकफास्ट डन हो गया है. अब थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके मैंने दोनों तरफ दो कढ़ाई चढ़ा दी है. एक में पाव भाजी के लिए अनियन और सारे मसाले फ्राई करूंगी और दूसरी तरफ कढ़ाई पनीर के लिए. अभी कढ़ाई पनीर के लिए मसाला भी रेडी करना है, बट पहले प्याज टमाटर ये सब फ्राई हो जाए ना, उसके बाद जल्दी से हो जाएगा. मेन टाइम तो वही प्याज को अच्छे से फ्राई करने में ही जाएगा, अदरवाइज तो पाव भाजी भी जल्दी बन जाता है. ऑलरेडी सारा कुछ बॉयल हो चुका है, मैश करके रख दिया है मैंने. कढ़ाई पनीर के लिए ना प्याज और कैप्सिकम ये बिग बिग पीसेस में कट करके रखें, इसको फ्राई करके अलग से रख दूंगी और ऊपर से ऐड करूंगी. और कढ़ाई पनीर के ग्रेवी के लिए प्याज अच्छे से ग्रेट कर लिया है, खूब सारा जिंजर गार्लिक है, ये मैंने साथ में पीस लिया था कि पाव भाजी में भी जाएगा. और टमाटर, भाजी भी बिल्कुल रेडी है. और पाव तो गर्मा गर्म बटर लगा के सेकूंगी जब फ्रेंड्स आ जाएंगे. और कढ़ाई पनीर भी रेडी होगी है, साथ में पराठा बनाऊंगी और मिक्स वेज पुलाव बनेगा. तो मम्मी ने ऐसे देखो छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे हैं आलू, गोभी, छोटे वाले बीन्स और गाजर. बटर चिकन के लिए बस इसका पेस्ट बनाना है और चिकन भी मैंने फ्राई करके रख दिया है.
कढ़ाई पनीर का कलर बहुत अच्छा आया है, और जब आप फ्रेश फ्रेश मसाला डालते हो ना, उसका फ्लेवर अलग ही होता है, और ऊपर से कलरफुल कैप्सिकम अनियन उसे बहुत सुंदर लगता है। जी कैसी बनी सर? I thought all. ये होते हैं हमारे फूड के सबसे बड़े रिव्यूअर। बड़े तो झूठ झूठ बोल देते हैं, अच्छा बना अच्छा बना। इन्होंने खा लिया मतलब अच्छा बना। गिफ्ट की दुकान खुल गई है, चारों तरफ रैपर ही रैपर। हाँ मजे आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। कल इतना ज़्यादा थक गई थी ना, पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, तो फ्रेंड्स गए अराउंड 6 o'clock। उसके बाद बस रिलैक्स ही किया, डिनर में तो कुछ बनाना था नहीं, सारी सब्जियां बची हुई थी, बस थोड़ा बहुत रोटी वोटी बनाए एंड डन। दिन में मेरे से खाया नहीं जाता जब मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, तो दिन में मैंने नहीं खाया, रात को फिर पाव भाजी खाई, वही अच्छा लगा। और आज डिनर पे एक और फ्रेंड आने वाले हैं, बट आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। अभी हॉलिडे टाइम है ना, तो यही टाइम होता है दूसरों के पास भी, और मैं भी घर पे हूँ, तो ठीक है। आज यहाँ पे बॉक्सिंग डे है, तो अनुज की छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी है, तो अभी से कुछ नहीं बनाऊंगी, आफ्टरनून में ही करूंगी जो भी करना है, अभी थोड़ी देर रिलैक्स करूंगी। तो छोले मैंने भिंगो के रख दिए थे, तो सिंपल से छोले पूरी ही बनाने का सोचा है, और साथ में पनीर मखनी बटर पनीर बना लूंगी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अभी मैं आराम से चाय एंजॉय करती हूँ लेट इट स्नो वाले कप में, क्योंकि स्नो तो इस बारी हो नहीं रहा है। कल क्रिसमस गिफ्ट में सांता ने भेज दिया था स्नो, तो थोड़ा थोड़ा स्नो रहा, बट टेम्परेचर प्लस में चला जाता है ना, तो आज पूरा मेल्ट हो गया और फिर से ग्रीन ग्रास दिखने लगे हैं। कल का थोड़ा सा आलू बचा हुआ था, तो सबको आलू पराठे बना के दे दिए, और उसमें ना मिर्ची डाल दी, मुँह में मिर्ची आ जाती है ना, इतना तीखा लग रहा है। और अनुज गए हुए हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक शॉप देखने के लिए, आज बॉक्सिंग डे है ना, तो बॉक्सिंग डे पे काफ़ी अच्छी सेल होती है। वैसे हमें कुछ स्पेसिफिकली लेना नहीं है, और इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गई, बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे तो अगर लास्ट 4-5 years से कंपेयर किया जाए ना, रश बहुत कम हो गया, और वैसे भी अब सब कुछ ऑनलाइन भी आ गया है, तो मोस्टली लोग ऑनलाइन प्रेफर कर लेते हैं। बट एक टाइम था जब शॉप के बाहर लंबी लाइन लगती थी, अब अनुज बाहर जाते हैं ना, तो पूरे टाइम बस फ़ोन करते रहेंगे, और मेरी दूध उबल के गिर गई। हाँ जी, एक काम और बढ़ गया, दही जमाने के लिए दूध चढ़ाई थी, और ऐसा ही होता है ना, मतलब आप सामने खड़े होते हो और दूध उबल जाता है, ये भी रखा हुआ था ऊपर से, फिर भी कभी कभी ये वाला ट्रिक काम नहीं करता है। छोले बॉईल करने के लिए ना एक पोटली बना रही हूँ, यहाँ पे सारे खरे मसाले ऐड कर दिए हैं, सिनेमन स्टिक भी डाल दिया है। यहाँ पे सारी चॉपिंग कटिंग करके पहले रेडी कर लिए। अगेन दोनों चीज़ मैं साथ में बनाने वाली हूँ। छोले के लिए प्याज अच्छे से चॉप कर लिया है, टमाटर का पेस्ट बना लिया है, अदरक लहसुन का भी पेस्ट रेडी है, और पनीर के लिए अनियन जिंजर गार्लिक और टमाटर ये सारे रफली चॉप किए, क्योंकि कुक करने के बाद तो पेस्ट बनाना ही। कैसा रश है बॉक्सिंग डे का, है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और सेल भी नहीं है शॉप्स में उतना ज्यादा। मतलब सेल वो ऐसा नहीं होता कि बॉक्सिंग डे पे लगती है, आजकल पहले जो अनाउंस हो जाता है ना वही सेल होती है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल डील लगी पहले जैसी बात नहीं है, जो हम पहले लिया करते थे, और एक्चुअली बहुत ही ग्रेट डील्स मिलती थी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, डील्स अभी है लेकिन स्पेशल आज के लिए नहीं है, वो हफ्ता पहले जो शुरू हो चुकी है वही ऑनलाइन जो है वही है, स्टोर में ऐसा मुझे कोई डील नहीं दिखेगी, स्टोर में कोई स्पेसिफिक डील आई है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आज जो फ्रेंड्स आने वाले हैं उनके भी छोटे बेबी है,
तो उसके लिए उल्टा ये रिमोट कंट्रोल टाइप्स है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। हाँ सॉफ्टवेयर्स लेने का अच्छा अच्छे डील्स मिल जाते हैं, बेस्ट प्राइस है, ये बेस्ट प्राइस है। चाय ब्रेक इन्होंने लिए, मैंने ऐसे ही ब्रेक लिए, केक ब्रेक लिए। कल जया आई थी ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो सरी से मूव हुए हैं और मेरे बर्थडे के दिन भी वो गुलाब जामुन केक लेके आई थी। शी इज़ अ बेकर और उसकी यूएसपी यही है कि वो एगलेस केक बहुत अच्छा बनाती है। तो उसका इंस्टाग्राम का पेज मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और इनकेस प्रिंस जॉर्ज एरिया में हो तो आई डेफिनेटली रिकमेंड, ज़रूर ट्राई करना। और मुझे जो बेस्ट लगता है रसमलाई केक और गुलाब जामुन केक, क्योंकि वो डिफरेंट होता है ना केक, आपको जनरली किसी स्टोर में ये सारे केक्स तो नहीं मिलेंगे। और ये केक केक नहीं लगता, मिठाई जैसा लगता है। मेरे फ्रेंड की भी एनिवर्सरी है 31st को, तो मैंने उसके लिए भी गुलाब जामुन केक ही ऑर्डर किया। और बहुत सिंपल सा ये लेमन केक, जस्ट वो होता है ना चाय के साथ केक खाओ हल्का वाला, तो ये अच्छा लगता है मुझे। लाइक हम सबको ही बिना क्रीम वाला जो सिंपल केक होता है ना वो ज़्यादा पसंद आता है, तो टेस्टी है काफ़ी। और बच्चों के लिए केक पॉप्स भी लेके आई थी, जो कि हार्डली अब एक या दो ही बचे हुए हैं। इवनिंग के अराउंड 5:20 हो रहे हैं दोस्तों, सारा काम हो चुका है और लंच ना बहुत जल्दी बन गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि घर पे भी तो सब लंच खाएंगे ही ना, फिर उसके लिए कुछ और बनाने से अच्छा है कि मैं छोले ही अच्छे से भिंगो ही दिए थे, मैं सोचा छोले ही बना लेती हूँ। फिर छोले राइस इन्होंने लंच में खा लिया और साथ साथ पनीर भी बन गया था, तो मैं सोचा जब टाइम है तो थोड़ी सी आलू की टिक्की भी बना लेते हैं। तो बॉयल कर लिया आलू, सारे बेसिक मसाले ऐड किए, चावल का आटा डाला, खूब सारा प्याज और धनिया पत्ती ऐड कर दिया, तो टिक्की शेप करके रख दिए। बस अभी मैं गर्मा गर्म फ्राई करूँगी। और जीरा राइस बनाना था तो राइस भी सोख करके रख दिया है, तो साथ साथ जीरा राइस चढ़ा देती हूँ। और सब कुछ डन हो चुका है और मैंने सोचा आलू टिक्की बन ही रही है तो दही भी बना के रख दिया है, चटनी एंड ऑल रख दिया। अगर चाट के जैसे आलू टिक्की चाट खाना होगा तो वो खा लेंगे, क्योंकि ये शब्द तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी थोड़े दिन पहले ही बोल रही थी कि आलू टिक्की नहीं बना सकते हम, इधर काफ़ी कंटिन्यूसली बन भी गया ना, तो उसका टेस्ट चढ़ गया उसको कि छोले आलू टिक्की चाट, इनफैक्ट छोले भी है, तो मिक्स करके जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. टेबल सेट हो गया है और सेकेंड बैच ऑफ आलू टिक्की गर्मा गर्म यहाँ पे रेडी हो रही है। दही एंड ऑल रख दिया है, बस अनियन और टमाटर चॉप करके रखूंगी। अभियान हेलो हेलो अभियान, अच्छा आपको खुद को देखना है, ये कौन है, ये कौन है, अब हाँ ये फरी फरी, अच्छा कार का है, कार का है, ये कार है, वाव पापा लाल। I wonder what R means, Ninja Turtles. Nothing. क्या खाना है आपको? आप खाओगे आलू टिक्की? तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग के लिए इतना ही, कल से चल रहा है ये ब्लॉग कुकिंग कुकिंग एंड मोर कुकिंग, बस यही हो रहा है आजकल, कल से मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगी। तो चलिए कुछ ही दिन रह गए हैं 2023 के, लेट्स मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज, गुड मेमोरीज, एंड आई विश कि आने वाला साल हम सब के लिए खूब सारी खुशियाँ और गुड हेल्थ लेके आए, इनकेस मैं आप लोगों से ना मिलूं न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।